नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे डिक्सलैब का एक मेगा कोर्स जिसको हम क्लेम करते हैं कि शायद ही कोई और डिलीवर कर सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा मेगा कोर्स है जिसमें वो सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं कहीं भी अवेलेबल हैं, वो सब कुछ इंक्लूड किया गया है वन सिंगल कोर्स में। आप हमारी स्लाइड पर देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट है www.dexlabanalytics.com। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर कॉन्टैक्ट है। इसमें जाके और भी तरीके हैं कॉल करने के, और भी फ़ोन नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक सिंपल सा एक ऑनलाइन डेमो दे रहा हूँ कि मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इन पाइथन, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि जो सबसे बेसिक फीचर जो हमारे कोर्स की जो हम आपको देने वाले हैं, कि पहली चीज़ कि कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं। आप कॉमर्स से पढ़े हैं, आप आर्ट्स से पढ़े हैं, आप आ सकते हैं। हम बस इतनी उम्मीद करते हैं कि आपने थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ी हो ताकि जब हम मैथमेटिकल बातें करें तो आप उसे समझ सकें। अदरवाइज कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच। एक बड़ी चीज़ है कि जब आप हमारे कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड टाइम उस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं, जब चाहे तब रिपीट कर सकते हैं। आधा कर लिया, कुछ समय बाद आके आधा कर लिया, या पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ वक्त बाद लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए एक बार, तो आप कर सकते हैं। इवन आप जॉब करते हुए भी हम आपको सपोर्ट देते हैं कि आपकी ऑफिशियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी भी हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, पूरा नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको। पुराने स्टाइल की क्लासरूम कोचिंग्स नहीं है जहां आपको केवल बैठकर लिखना है और समझने पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना है। हम एकदम बिगनिंग में आपको सारा कोर्स सीट और सारा मटेरियल दे देते हैं, आपको रियल टाइम में एक्सप्लॉयट करना है मैक्सिमम लेवल तक। ये ऑनलाइन क्लासेस है दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती थी लेकिन अभी कोरोना की वजह से उस पर कुछ थोड़ी सी रोक है। क्लासरूम जो हमारी ऑनलाइन होंगी, आपकी पर्टिकुलर जो टीचिंग होगी आपके साथ, वो हर उस क्लास की वीडियोस आपको दी जाएंगी। Kaggle.com जो सबसे पायनियर वेबसाइट है डेटा साइंस का, कैसे Kaggle पे पार्टिसिपेट करना है, उसके कंपटीशंस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे वहाँ पे लीडर बोर्ड पे ऊपर जाना है, छोटी छोटी चीज़ें करके ये सारी चीज़ें सिखाएंगे हम लोग, और यही हमारा टोटल ओरिएंटेशन होगा। हम ये मानते हैं कि ये कोर्स आपको सुपर डेटा साइंटिस्ट बनाएगा। दोस्तों, हम अपने कोर्स को मूलतः तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस। जिस पाइथन प्रोग्रामिंग के पार्ट में 14 सेशंस होते हैं और हर सेशन 3 घंटे का होता है। इसमें हम आपको प्रोग्रामिंग के सारे पहलू पढ़ाते हैं जो डेटा साइंस में यूज होने वाले हैं। और डिटेलिंग चाहिए चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, तो इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ जो PPTs में लिखी हुई हैं, जनरल बातें कह रहा हूँ। आप वीडियोस को पॉज करके एक पर्टिकुलर PPT पे क्या लिखी हुई है वो चीज़ें देख सकते हैं, और साथ ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप डायरेक्ट पूरी PPT डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिक कमांड जो है किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के है वो तो हम करेंगे ही। लूप हो गए, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, कैसे एरर हैंडलिंग करना है, कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन करना है डेफ और लैम्डा का यूज करके, क्या होते हैं डेकोरेटर्स, जनरेटर, क्या होता है रिकर्सिव फंक्शनिंग, कैसे एक नया मॉड्यूल हम क्रिएट करते हैं, ये सब पढ़ लेने के बाद हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक फीलिंग आ जाती है कि हमें कैसे अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट को रिप्रेजेंट करना है एक लैंग्वेज के फॉर्म में। इसके बाद हमारा ओरिएंटेशन कम्प्लीटली डेटा साइंस का हो जाता है। NumPy, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है, साइंटिफिक फंक्शन है, उनकी लाइब्रेरीज को कैसे पढ़ना है, उनके फंक्शंस को कैसे यूज करना है। इसके बाद पांडास पे हम आते हैं, डिटेल में पांडा करते हैं, क्योंकि किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट या केस स्टडी के की होती है डेटा प्रिपरेशंस, इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, रैंगलिंग, क्लीनिंग, मैनिपुलेशन, क्वेरिंग, पीवोट टेबल्स, टाइम सीरीज के डेटा को कैसे एक्सप्लोर करना है, मिसिंग डेटा एनालिसिस और मॉडर्न तरीके जो हमारे हैं मिसिंग डेटा की, साइकिट लर्न यानी मशीन लर्निंग बेस्ड मिसिंग डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइम आता है कि हम कैसे इसको विजुलाइज करें। दोस्तों,
अगर हम किसी थर्ड पार्टी डैशबोर्ड्स पर जाते हैं तो हमारा ऑटोमेशन रुक जाता है। इसलिए हम पाइथन में ही आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। डैश नाम की लाइब्रेरी है, लाइव डैशबोर्ड बनवाएंगे, स्टॉक मार्केट प्राइसेस का सेल्फ अपडेटिंग डैशबोर्ड होंगे और बहुत सारे नए किस्म के डैशबोर्ड, और सारी हेल्प देंगे कि कैसे आप जब इंडस्ट्री में काम करें तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन जाके हेल्प ले सकते हैं प्लॉटली की लाइब्रेरी से, प्लॉटली की वेबसाइट से। प्लॉटली क्या है? ये जैसे कि हमारा मैट प्लॉटली और सीबॉर्न है विजुलाइजेशन के लिए, उसी तरह प्लॉटली जो है बहुत ही इंटरेक्टिव एचटीएमएल बेस्ड प्लॉट्स एंड ग्राफ बनते हैं। और हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड डैश के डैशबोर्ड और प्लॉटली को दोनों को कंबाइन करके एक बहुत ही सुपर रिच डैशबोर्ड्स क्रिएट कर पाते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट डेटा एनालिसिस का की है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, कैसे फ़ोन नंबर्स की क्वेरी लिखनी है, कैसे ईमेल आईडी पिक करने के लिए क्वेरी लिखनी है, और किसी भी तरीके के डेटा टेक्स्ट डेटा के एक्सप्लोरेशन के लिए हम कैसे क्वेरीज लिखें। हमारा डेटा अगर वेब पे है तो हम कैसे स्क्रैप कर पाए डेटा, हर चीज़ का हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, इसलिए हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं। ब्यूटीफुल सुपर रिक्वेस्ट, सेलेनियम और कई सारी वेबसाइट को रियल टाइम में हम स्क्रैप करके अपना डेटा लेकर कैसे हम पांडास का डेटा फ्रेम बना के फिर अपनी रेगुलर एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, बिना डेटाबेस के डेटा साइंस की बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग MySQL डेटाबेस पढ़ेंगे जो कि ओपन सोर्स है, वर्कबेंच से उसे हैंडल करना सीखेंगे। फिर पाइथन पे हम लोग डायरेक्ट MySQL का कनेक्शन बना के डेटाबेस से इंटरैक्टिविटी करेंगे और कैसे डेटा को डायरेक्ट पाइथन में लेना है और अपने एनालिसिस करनी है और फिर उसे CSV में यानी एक्सेल में लिख के अपने मैनेजर या बॉस को दे देना है, एंड टू एंड कैसे करना है। धीरे धीरे समझना आ गया कि सिर्फ NoSQL डेटाबेसेस से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग MongoDB पढ़ेंगे, ये भी ओपन सोर्स है। और सेम उसी पैटर्न पे MongoDB को फिर पाइथन से कनेक्शन करके कैसे डेटा को अपने प्लेटफॉर्म पे लेना है और सारे वर्क को करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट ख़त्म होता है, जिसे आप डेटा एनालिटिक्स भी कह सकते हैं। फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, जैसे इलेक्शन एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, 911 कॉल्स का डेटा एनालिसिस, मनी बॉल प्रोजेक्ट, टाइटैनिक, फिनेंशियल रिस्क, इसमें कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट है जिसको करते हैं, और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, कैसे माइनिंग करनी है डेटा की। ये कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेने के बाद, जिसमें हर में हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके तीन मेन कंपोनेंट है AI अचीव करने के, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इन तीनों को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हम कोर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट जो कि कहीं जनरली अवेलेबल नहीं है, एक सिंपल स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में। क्या है एनालिटिक्स, कैसे अचीव करना है, क्या ज़रूरत है प्लॉट्स की, क्या मीन मीडियन मोड के क्या रिजल्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, क्यों कस्टमर वैल्यू, ए लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू प्रोडिक्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे फॉलो करता है, कैसे अचीव करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं, सारे कोर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या है पी वैल्यू, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सारी स्टैटिस्टिक्स की जो दुनिया है दोस्तों डेटा की, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और दूसरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता उसके लिए क्या टेस्ट है, कैसे अचीव करना है, क्यों जन्म हो जाता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग का। दोस्तों, जब हम कोर स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं तो हम मशीन लर्निंग पे आते हैं। मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम्स को हम PPTs में पास नहीं करते, पेन और पेंसिल से एक एक एल्गोरिदम को मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। हम 5 पीस डेटा की 5 रोज लेंगे और उस पर सारे स्टेप बाई स्टेप सारा कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हम जान सकें कि इसके बैकहेंड में क्या है, ताकि हम ज़रूरत पड़ने पे उसको अपने हिसाब से अपना लोकलाइज मॉडल बना सकें। क्या है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या है रिइंफोर्समेंट लर्निंग, है ना। अब देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग के हमारे एल्गोरिदम्स हैं डिसीजन ट्री, नेव बेस,
गाउसियन नेबीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, लर्निंग वेक्टर क्वांटाइजेशन, ये सब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, कैसे इन सब को एक साथ लगाएं, पाइपलाइन बनाएं, क्योंकि साइकिट लर्न के डेवलपर्स कहते हैं कि अगर आप पाइपलाइन का यूज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। क्यों जरूरत है इनकी? रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स, लीनियर रिग्रेशन, रिज, लासो, इलास्टिक नेट, डिसीजन ट्री, KNN, सपोर्ट वेक्टर मेशिंग, SGD रिग्रेसर। सिमिलरली इसका पार्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन में SGD क्लासिफायर, कैसे करना है, कॉफिशियंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, क्या था लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, क्या डिफरेंस है इनके बीच, क्यों हम आज की तारीख में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज करते हैं, इनको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे हम। फिर बात आ जाती है कि क्या हम कई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम बना सकते हैं, तो हम एंसेंबल एल्गोरिदम पढ़ेंगे, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन पढ़ेंगे, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, XGBoost पढ़ेंगे जो कैगल का फेवरेट एल्गोरिदम है, अधिकतर विनर्स XGBoost का यूज करते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, जिसको जनरली क्लस्टरिंग कहते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, K-mean क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, DBSCAD और डीप लर्निंग बेस्ड ऑटो इनकोडर्स, कैसे इनका यूज करना है, क्या है एक्सट्रीम लेवल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। दोस्तों ये पढ़ने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि कोडिंग में डेटा को प्रिपेयर कैसे करना है, फीचर इंजीनियरिंग कैसे करनी है, कैसे एक पाइपलाइन बनाना है, रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है, उसके सारे एल्गोरिदम्स को कैसे एक साथ पाइपलाइन में लगाकर उसमें से बेस्ट एल्गोरिदम चुनना है और उस बेस्ट एल्गोरिदम को फिर ट्यून करके उसकी परफॉर्मेंस को और लिफ्ट करना है। दोस्तों हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, 3 एंड टू एंड प्रोजेक्ट लिखते हैं पाइपलाइन बना के, रिकमेंडर सिस्टम करते हैं मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग बेस रिकमेंडेशन फॉर मूवी, SMS स्पैम और हैम कलेक्शन, येल्प रिव्यू क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स है बोस्टन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है आयरिश डेटा क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन सोनार वर्सेस राक, इलेक्शन डेटा एनालिसिस की प्रेडिक्शन कैसे करनी है, कैंसर है कैंसर नहीं प्रेडिक्ट करना है, कस्टमर चर्न आउट करेगा नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस। इसके अलावा 10 और प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे आपकी सारी बिल्ड आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि अनबैलेंस्ड डेटा क्या है, अनबैलेंस्ड डेटा को हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, कैसे हम अनबैलेंस्ड डेटा को ट्रीट करते हैं, टारगेट वेरिएबल की अलग अलग कैटेगरीज को कैसे मेजर करते हैं। दोस्तों यहीं पे हमारी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट नहीं खत्म होते, इसके बाद हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट कराते हैं जो कंप्लीट इंडस्ट्री के लेवल से और ज़्यादा प्योरीफाई किए गए हैं लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स का यूज करके, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, कैसे सिविल स्कोर बनाना है, कैसे एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करना है बैंकों के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, मल्टीप्लाई होता है एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट से, मल्टीप्लाई होता है लॉस गिवन डिफॉल्ट से, इन तीनों का प्रोडक्ट देता है एक्सपेक्टेड लॉस, कैसे कैलकुलेट करना है तीनों मॉडल को, बीटा रिग्रेशन क्या है। इसके बाद दूसरा मेगा प्रोजेक्ट करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू प्रेडिक्शन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व है एक कस्टमर का वैल्यू कैलकुलेट करने में, क्या है मशीन लर्निंग वैल्यूज। फिर आते हैं जैसे कि IPL के खिलाड़ियों का चयन करना है, सिलेक्शन, कैसे हम बनाएंगे रेटिंग, किसे टीम में रखना है किसे नहीं रखना है मशीन लर्निंग बेस। ये 3 मेगा प्रोजेक्ट कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा मशीन लर्निंग का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हम डीप लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं, इन बिटवीन हम रिकमेंडर सिस्टम कवर कर लेते हैं जिसे एंड में रखा है, लेकिन ये चीज यहाँ पे इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि सभी रिकमेंडर सिस्टम दोस्तों डीप लर्निंग यूज नहीं करते। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैरी पेज का बनाया हुआ पेज रैंक एल्गोरिदम, अमेजन द्वारा यूज किया जाने वाला कोलैबोरेटरी फिल्टरिंग बिल्कुल उसी तरीके से डिटेल्ड प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन मेथड कैसे नेटफ्लिक्स कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को हैंडल करता है,
रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन, कैसे डीप लर्निंग का यूज हो रहा है, बिल्कुल नए किस्म का आर्किटेक्चर है ये न्यूरल नेटवर्क्स का, कैसे यूज करेंगे हम रिकमेंडर सिस्टम में, क्या है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड्स क्या है मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन की, इन सारे मेथड्स का यूज करके हम एक स्ट्रॉन्गर रिकमेंडर सिस्टम लर्निंग की ओर बढ़ेंगे जिसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए क्या हो कि अगर किसी का रिक्रूटमेंट करना है और एचआर को लाखों रिज्यूम में से बेस्ट रिज्यूम सिलेक्शन करने, तो क्यों ना वहाँ भी लगाएं रिकमेंडर सिस्टम, खिलाड़ियों के सिलेक्शन में लगाएं, अपने रोजमर्रा के डिसीजन मेकिंग में क्या ऐसा हो सकता है। फिर हम डीप लर्निंग पे आ जाते हैं दोस्तों, और डिटेल में सबसे पहले हम सारे न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के दो मॉडर्न वर्जन लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट इज कॉल्ड LSTM और GRU गेटेड रिकरेंट यूनिट। इसको मैनुअली हम लोग पेन और पेंसिल से एक डीप न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और हर स्टेप पे क्या कैलकुलेशन कर रहे खुद करते हैं। डिटेल्ड मैथमेटिकल स्टडी हर के पीछे क्या है, क्या है बैक प्रोपोगेशन, क्या है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इन सारों को जब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं। सबसे पहले मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करके, वही प्रोजेक्ट जो हम मशीन लर्निंग में कर रहे थे, कैंसर है कैंसर नहीं है, हाउस प्राइस प्रोडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क प्रोडिक्शन, और भी समय के साथ हम नए नए प्रोजेक्ट्स जोड़ते जाते हैं, पुराने तो और हैं प्लस फाइव प्रोजेक्ट्स, और भी नए आते जाते हैं, हर बार कुछ नया। इसके बाद हम कंप्यूटर विजन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर विजन के बारे में मैं कहता हूँ कि ये वो कंप्यूटर विजन है दोस्तों, इतनी डिटेल में कहीं भी देख पाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हम डीप लर्निंग में ही जाकर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का ही यूज करके नहीं, MLP या LSTM का भी हम यूज करते हैं, रिसर्च की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम OpenCV के प्लेटफॉर्म का यूज करके रियल टाइम में कैसे प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, कैसे डेटा को तैयार करना है, डेटा प्रिपरेशन कैसे करना है इमेजेस में। दोस्तों पहली ही बार जब आप इमेज रिकॉग्निशन के आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो बड़ा टफ होता है कि पहली बार में ही मैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना पाऊँ जो कि आज के स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स हैं, जैसे लीनेट, एलेक्सनेट, विजन ज्योमेट्री ग्रुप का VGG, इंसेप्शन एंड गूगल नेट, रेजिडुअल नेटवर्क का रेजनेट। हम यहीं पे आपको ये नेटवर्क्स पढ़ा देते हैं ताकि आप इसको कैसे डायरेक्ट यूज कर पाएं, इसके थोड़े से पार्ट को काट कर निकालें और कैसे यूज कर पाएं, इसके कुछ लेयर्स को ट्रेन करें नॉट ट्रेन करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो एग्जैक्टली इससे इंस्पायर होकर बिल्कुल ही नया कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क तैयार कर सकें। ओपन कंप्यूटर विजन में फिर हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। एक बार मेरे स्टूडेंट ने ये कहा था कि उसको प्रॉब्लम हो रही थी इंडस्ट्री में कि सर हमारी फ़ोटोज़ बहुत स्मॉल हैं, कैसे उसको क्लासीफाई करें। तो ये प्रोजेक्ट हम मैंने डाला, क्लासीफाई स्मॉल फ़ोटोज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैसे क्लासीफाई कर पाए, क्लासीफाई फोटोग्राफ्स ऑफ डॉग्स एंड कैट लेवल। अब हमारे पास सैटेलाइट के लिए हुए फोटोज़ हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की, इसमें 17 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज प्रेडिक्ट करनी है, और मजे की बात यह है कि हर एक कैटेगरी के मल्टी क्लस्टर्स मल्टी लेवल्स हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मल्टी लेवल के लिए डेटा कैसे तैयार करें, 17 मल्टी क्लास ही नहीं मल्टी लेवल भी हैं। ये कैगल का अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट रहा है, इससे इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी थी FBETA स्कोर से, अब FBETA स्कोर तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बना है, कैसे कर पाते हैं? तो keras.backend जो फंक्शन है keras.backend बैकहेंड में जाके FBETA स्कोर के फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। आपको पता ही है keras के दो बैकहेंड है, थियानो और टेंसर फ्लो। हम बैकहेंड डॉट बैकहेंड का यूज करके बैकहेंड में जाके हम वहाँ चेंजेस कर सकते हैं। तो FBETA स्कोर को हम कन्वर्ट करते हैं ताकि हम 17 क्लासिफिकेशन को मेजर कर पाए एक्यूरेसी। इस तरह से प्रोजेक्ट्स बनते हैं इंडस्ट्री लेवल और कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसमें कई सारे छोटे छोटे हम इमेज रिकॉग्निशन के प्रोजेक्ट करेंगे जिसका कि मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन दो तरह की फैमिलीज हैं दोस्तों, RCNN मॉडल रीजन बेस्ड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एंड YOLO यू ओनली लुक वंस। दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे और लेटेस्ट रिसर्च पेपर जो है उनको बारीकी से अध्ययन करेंगे। फिर मास्क RCNN फेस रिकॉग्निशन करेंगे, और दोस्तों एक बड़ी चीज़ है फेस
आइडेंटिफिकेशन कि कौन अमित है कौन सुमित है, फेस डिटेक्ट फेसेस इन फोटोग्राफ, फेस डिटेक्शन विद ओपन सीवी, फेस डिटेक्शन इन यू से आइडेंटिफाई करना एंड वेरिफिकेशन विद वीजीजी फेस टू मॉडल, फेस क्लासिफिकेशन विद फेस नेट मॉडल, और जैसा रिसर्च पेपर हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे और उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने स्तर पे। स्क्रैच से हम इसको लिखना सीखेंगे दोस्तों, वीजीजी फेस टू से भी करना है और इसकी जगह स्क्रैच से भी। इसमें एक समझने की बात है, जब इमेज फेस रिकॉग्निशन का हम मॉडल बना रहे हैं तो डेटा कौन प्रिपेयर करेगा दोस्तों, है ना। एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मतलब एक बड़ी फोटो है जिसमें 4-5 लोग हैं, मेरा मॉडल सबको पहचानना चाहिए, यानी उसके चारों तरफ बॉन्डिंग बॉक्सेस बनाने हैं और हर एक बॉन्डिंग बॉक्स में जाके इमेज रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डेटा प्रिपेयर करना। तो कैसे डेटा प्रिपेयर करना है, कैसे उसके लिए एक्सएमएल की फाइल लिखनी है, ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। ओपन सीवी लाइब्रेरी एक इन्वायरमेंट देती है हमें कंप्यूटर विजन के काम करने, तो उसको थोड़ा पढ़ना और समझना बड़ा अच्छा रहता है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी, फेस डिटेक्शन, वीडियो एनालिसिस और इस सब चीज़ों को मिला के जो पढ़ा है। इस पर एक मेगा प्रोजेक्ट करेंगे, व्हीकल काउंटर एट टॉल प्लाजा, मतलब टॉल प्लाजा पे एक कैमरा लगा दें और उधर से व्हीकल सारे वो सबको काउंट करके बताए कि कौन सी व्हीकल कितनी आई है, है ना। कंप्यूटर विजन के बाद हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे आते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस भाषाएं जो हमारी रोजमर्रा की, इंग्लिश हिंदी, तो इसमें हम लोग सारे मॉडल पढ़ेंगे, द बैग ऑफ वर्ड मॉडल, वर्ड इम्बेडिंग और वर्ड इम्बेडिंग प्लस CNN का यूज करके हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। अब वर्ड इम्बेडिंग को समझना बहुत जरूरी है, दो तरह की प्री डिफाइंड वर्ड इम्बेडिंग है, गूगल की वर्ड टू वेक और एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोवी, कैसे हम उनको डायरेक्ट यूज करें और कैसे हम अपने लोकलाइज्ड वर्ड्स का वर्ड इम्बेडिंग करके रख लें ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर पाए। बिल्कुल स्क्रैच से तैयार करना सीखेंगे। टेक्स्ट जनरेशन, अगर हम कुछ टेक्स्ट दे दें तो उस पर मेरा मॉडल यानी जैसे कि RNN है, रिकरेंट ट्रिगोनल न्यूरल नेटवर्क, कैसे आगे का सीक्वेंस जनरेट कर दे। लैंग्वेज ट्रांसलेट, रियल टाइम में सबसे लेटेस्ट चो एंड सुस्कीवर के रिसर्च पेपर पे बेस्ड जो 2017 के हैं, कैसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करेंगे वन लैंग्वेज टू अनदर। इमेज कैप्शनिंग, मेरे हिसाब से इमेज कैप्शनिंग एक बहुत ही ब्रॉड और टफ प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें इमेज रिकॉग्नाइज भी करना है और अपनी इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, यानी एक किस्म का चैटबॉट भी हो गया, टेक्स्ट जनरेशन और चैटबॉट और लैंग्वेज और इमेज रिकॉग्निशन दोनों का कंबाइंड एफर्ट है, वो करेंगे। अगर आप एक बार वो करते हैं ना तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन चैटबॉट आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ये बनाएंगे हम लोग कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स, न्यूरल ऑफ बैकवर्ड मॉडल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। देखिए न्यूमेरिक डेटा में जो क्लासिफिकेशन था ना वो यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस है। अब और बेहतर क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड एम्बेडिंग करें और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क या LSTM जैसे कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का यूज करके सेग्रीगेशन करें। डेवलप ए एनग्राम CNN मॉडल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। टेक्स्ट जनरेशन करें, क्या टेक्स्ट जनरेशन करके ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या टेक्स्ट जनरेशन की जगह म्यूजिक का पीस डाल के आगे का म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मॉडल्स बिल्ड करेंगे। डेवलप ए न्यूरल लैंग्वेज मॉडल फॉर टेक्स्ट जनरेशन, इमेज कैप्शनिंग, जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड चैटबॉट। दोस्तों यहां पे हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग? बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे क्योंकि ना जब हम पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट बनता चला जाता है। क्या है रैंडम वॉक मॉडल, क्या है मार्कोव चेन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कैसे हम अपने गेम को ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे मेरा मॉडल लर्न करता है, क्या है सेल्फ ड्राइविंग का, क्यों आज की तारीख में फिनांशियल स्टडीज़ में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं, क्यों पोर्टफोलियो एनालिसिस अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग से हो रही है। मतलब फिर वही बात कि डेटा या तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या है वो मेथड जहाँ पे ब्राउनियन मोशन है, रैंडमनेस है, उसको टैकल करने के क्या है मॉडल। आज फाइनेंस में रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरह यूज़ हो रहा है,
वही रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए यूज हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डीप क्यू लर्निंग क्या है, क्यू लर्निंग क्या है, बेलमैन इक्वेशन क्या है, डीप क्यू लर्निंग क्या है, एक्टर क्रिएटिंग मेथड क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पेन और पेंसिल से बनाकर और उसके एक एक पहलू को देखते हुए पोर्टफोलियो एनालिसिस का प्रोजेक्ट करेंगे, व्हीकल राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ, एक ऑटोमेटेड वेयर हाउस कैसे बनाना है, कैसे मिनिमाइज करना है एक बिजनेस के कॉस्ट को, कैसे मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को, क्या है थॉमसन सैम्पलिंग, स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन जिसमें बहुत ही रैंडमनेस है कैसे होगी प्रेडिक्ट, चैटबॉट, एक ऐसा चैटबॉट जहां डेटा बहुत कम है, नहीं ट्रेन कर पा रहे अपने मॉडल को, बहुत थोड़ा सा डेटा है, तो कैसे हम एक अच्छा चैटबॉट बनाएं, क्या रिइंफोर्समेंट लर्निंग उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। ह्यूमन बॉडी एक्टिविटी रिकॉग्निशन जो पिक्सल 3 में आया है, मैंने 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पिक्सल 3 में आएगा ये मॉडल, क्या है ह्यूमन बॉडी एक्टिविटी रिकॉग्निशन, है ना, ये सारे प्रोजेक्ट डिटेल में करेंगे हम लोग। कैसे रोबोट्स को ऑटोमेट करना है, क्या पहलू हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार का एक मेगा प्रोजेक्ट फिर करेंगे दोस्तों। आपको लगता होगा कि शायद AI का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम अब आती है। ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर की जगह ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ने क्यों ली दोस्तों, इसलिए क्योंकि हमारा डेटा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो 20 MB का डेटा 40 GB हो जाता है, हमें बड़ी रैम चाहिए, हम रैम बढ़ाने का कोई पहलू नहीं है कि कितना बढ़ाएंगे आप, तो अब हमें बिग डेटा पढ़ना होगा, तो PySpark पढ़ेंगे, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करेंगे PySpark। स्पार्क स्ट्रीमिंग का है करनी है, क्यों जियो सिनेमा लैग करता है, क्यों वूट और सोनी लिव लैग करता है लेकिन अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स लैग नहीं करता, क्यों उबर लाइव चलता है, कहीं भी कार स्टक नहीं देखती, आप जैसे मूव करते दिखता है, क्या है स्पार्क स्ट्रीमिंग, कैसे बन पा रहे हैं ये प्रोजेक्ट, इसको समझेंगे। क्यों सारे लोग अब डेटा ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, हम डेटा ब्रिक्स का भी यूज करेंगे, PySpark को उस पर करके कोशिश करेंगे, और सब कुछ को कैसे MongoDB से कनेक्ट करके डेटाबेस को कैसे एंड टू एंड प्रोजेक्ट करना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपने बिग डेटा की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन जब मैं इमेज रिकॉग्निशन या फिर NLP के प्रोजेक्ट रन करता हूँ तो वो 10 दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं, इसे कैसे कम किया जाए दोस्तों, तब आ जाता है CUDA कंप्यूटिंग। अब CPU नहीं GPU का जमाना है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, एक नॉर्मल GPU में भी 1000 से 1500 कोर होते हैं और वहीं हमारी CPU में 4-5 कोर या 6 कोर, 1200-1500 कोर, उसमें कैसे डेटा को पास करना है दोस्तों, इसके लिए NVIDIA ने CUDA कंप्यूटिंग बनाई है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। डिटेल में CUDA कंप्यूटिंग पढ़ेंगे क्योंकि ये शुरुआत होती है सुपर कंप्यूटर्स की। अच्छा दोस्तों, ये CUDA कंप्यूटिंग सी प्रोग्रामिंग में लिखी गई है ना, तो मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, विजुअल स्टूडियो इस्टेब्लिश करवाऊंगा, इंस्टॉल करवाऊंगा, GPU की प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। अगर एक GPU कम पढ़ रहा है दोस्तों, तो मल्टीपल GPU पे कैसे कोडिंग करनी है, PyCUDA क्या है, कैसे पाइथन में CUDA कंप्यूटिंग की जाए ये पढ़ाऊंगा, कैसे टेंसर फ्लो को CUDA पे रन करना है, और आपकी पर्टिकुलर आपकी मशीन को कैसे GPU लगाना है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड मशीन सेटअप करवाता हूँ दोस्तों। ये रिवॉल्यूशन है, अगर ये करना आता है तो मुझे लगता है कि आप उन सब लोगों से आगे हैं जो आपके आपके पैरेलल चल रहे थे कभी दोस्तों। अब आप बात आती है कि क्या क्लाउड नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। AWS का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे रूट अकाउंट बनाना है, कैसे IAM यूजर्स करने हैं, सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स कैसे लिखने हैं, कैसे EC2 यूज करना है, कैसे S3 सर्विसेज यूज करनी है, और इन्होंने एक बहुत ही बून दिया है जिसका नाम है SageMaker, जिसमें जुपिटर नोटबुक्स इनबिल्ट है, कैसे SageMaker का यूज करना है, और कैसे AWS के अपने जो बने हुए मॉडल्स हैं XGBoots एटसेट्रा, उनका कैसे डॉकर में जाके यूज करना है, डिटेल पढ़ेंगे। और सिर्फ मॉडल बिल्ड करना है नहीं, AWS पे कैसे हम मॉडल को डिप्लॉय करेंगे और कैसे हम अपने क्लाइंट के लिए एक और अकाउंट बनाएंगे जिसमें लिमिटेड कैपेबिलिटी होगी, वो सिर्फ मॉडल को रन कर पाएगा एंड टू एंड। दोस्तों वक्त आ गया है कि डेटा बहुत बड़ा है
और डेटा की सबमिटिंग और फेचिंग को हमें और फास्ट करना है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। कैसे करेंगे? यहीं पे आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। हमें अपने डेटा को बाइनरीज में कन्वर्ट करके हल्का बनाना है। और भी सारे हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को फास्टर करेंगे। कैसे करना है? क्वांटम कंप्यूटिंग। फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडरस्टैंड हाउ ए क्वांटम कंप्यूटर परफॉर्म्स कंप्यूटेशन, क्या है ग्रोवर एंड सोर्स एल्गोरिदम, कैसे हम अन्य क्षेत्रों में भी इस क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये कंप्लीट कोर्स है जो आपके लिए हम लोगों ने बनाया और इसकी हम डिलीवरी कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। आप लोगों के लिए कोर्स ओपन है और ये हमारे नंबर है। अगर आपने आपको थोड़ा भी इस पर इंटरेस्ट आता है तो आप इंक्वायरी कीजिए, पूछिए, हम सारी जानकारी देते हैं, लाइव डेमो भी देते हैं। और आपको इंटरेस्ट लगे तो आइए, हम और बेहतर इसको करने की कोशिश करेंगे उस जगह पे जहाँ पे इससे और आगे जाना शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डेटा साइंटिस्ट का प्रोड्यूस करना है, जहाँ पे आप बन सकेंगे। दोस्तों ये एक लाइव एक ऑनलाइन डेमो था। थैंक यू वेरी मच डेक्सलैब के परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।